दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आप देख सकते हैं आज एक और सर्कुलर DSSB की तरफ से आया है, 19/10/2022 का है, यानी आज ही का है। और ये गैजेट से रिलेटेड है दोस्तों, जो अब तक हमारी टीचिंग पोस्ट हुआ करती थी उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे और उनके लिए जो एज लिमिट्स वगैरह थी और प्रमोशन के जो क्राइटेरिया थे वो सारे चेंज हो गए हैं। और इस गैजेट में, दिल्ली गैजेट में, उन्होंने ये चीज़ आज निकाली है। मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ पर 19 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट यहाँ पर जारी की है DSSB ने, और इसमें बताया है कि ये 19 जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये 19 जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों। इनमें अब तक जो PGT की एज हुआ करती थी अप्लाई करने के लिए, PGT पोस्ट के लिए, वो हुआ करती थी 33 ईयर्स तक। अब दोस्तों ये घटा करके सीधी भर्ती आप देख सकते हैं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 30 ईयर्स अभी एज कर दी गई है। और अब PGT अगर इन सब्जेक्ट्स में आप बनना चाहते हैं, यानी PGT हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, ये जो मैंने 19 सब्जेक्ट आपको बताए, इनके लिए आपको 30 ईयर्स से कम का, मतलब आपका जो बर्थ है वो 1992 से, अगर मैं बात करूँ 2022 में अगर वैकेंसी आती हैं सपोज़ करिए, तो 2022 में वैकेंसी अगर आती हैं तो 1992 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, 1992 के बाद का बर्थ होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो डिपेंड करेगा आपका जो वैकेंसीज आएंगी और जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उस डेट को, ठीक है, आपकी जो एज है जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उस डेट तक, टिल डेट आपकी जो एज है वो 30 के अंडर होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और यहाँ पर करेक्शन किया गया है, या मैं कहूँ कि मॉडिफिकेशन किया गया है, वो ये है कि जो अब तक नॉन आप कह सकते हैं, जैसे अगर कोई मैथ्स का टीचर है PGT में और वो TGT में मैथ्स का टीचर है और वो अगर ज्योग्राफी में प्रमोशन लेना चाहता है तो अब तक हो जाता था, या आपकी जिसमें भी मास्टर है सब्जेक्ट में उसमें आपको PGT में प्रमोशन मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको हिंदी का टीचर, अगर आपको हिंदी PGT बनना है तो आपके पास में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर आपको कह सकते हैं आप ज्योग्राफी में जाना है तो आपको TGT SST आप होने चाहिए, तभी आपको ज्योग्राफी में प्रमोशन मिलेगा। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर मान के चलिए किसी के पास में पोस्ट TGT कोई इंग्लिश है तो वो अगर उसने मास्टर्स ज्योग्राफी में कर रखी है, किसी और सब्जेक्ट में कर रखी है, तो वहाँ पे प्रमोशन मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% तो आपका ये तो क्राइटेरिया वो तो सेम ही है, इसमें आपको स्नातक कह सकते हैं, स्नातक तो नहीं, ठीक है, निष्णात उपाधि अथवा निम्नलिखित विषय में सक्षम ग्रेड होना चाहिए, और इसको हम इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि दे मस्ट स्टड, अब यहाँ देखिएगा 50% इन एग्रीगेट इक्वलन टू द ग्रेड सब्जेक्ट, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड मास्टर्स डिग्री, है ना, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में और 50% के साथ में होनी चाहिए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके होने चाहिए मास्टर्स में, ठीक है। अगर आप एग्जांपल के तौर पर PGT बायोलॉजी बनना चाहते हैं तो आपके पास में जो मास्टर्स डिग्री है वो लाइफ साइंसेज में हो, बायो साइंसेज में हो, माइक्रो बायोलॉजी में हो, जेनेटिक्स में हो, या मॉलिकुलर बायोलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी भी चल जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी भी हो, एंड इसमें दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, ये भी पक्का है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए दोस्तों, ये भी कंपलसरी रहेगा। हालांकि क्लियर नहीं किया है, कई लोगों ने यहाँ BSc लेवल पे जो है वो बायोटेक से भी हैं, माइक्रोबायो से ही हैं, उनके लिए यहाँ क्लियर कट, या तो उनको अपनी मार्कशीट में शो करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट्स बॉटनी के या जूलॉजी के हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा, डिपेंड करेगा कॉलेज पर। और इसके अलावा BEd की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये तो हम जानते हैं, और इंटीग्रेटेड भी चल जाएगी BEd MEd, ठीक है दोस्तों। और बाकी एज की बात करें, एज ग्रुप की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पे वेदर एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोटीज। प्रमोशन में एज ग्रुप का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्वालिफिकेशन का है। यानी कि अगर कोई पर्सन TGT है और अगर उसे प्रमोशन चाहिए PGT में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी मास्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, प्रमोशन 2 ईयर्स का रहेगा, ये रहेगा प्रमोशन से 50%, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 50% आएंगे, ये आप जानते हैं दोस्तों। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी। बाकी आप सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है साइंस बंकर्स, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर मैं ये PDF डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।